चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट एच एंड इट रीचेस आफ्टर टी सेकंड ऑन अर्थ फ्रॉम द सेम बिल्डिंग इफ टू स्टोन्स आर थ्रोन वन अपवर्ड एंड अदर डाउनवर्ड विद द सेम वेलोसिटी यू एंड दे रीच द अर्थ सर्फेस आफ्टर टी वन एंड टी टू सेकंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। एक बिल्डिंग है ये जिसकी हाइट है एच, यहाँ से ये ग्राउंड है, यहाँ से एक बॉल ड्रॉप की गई तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, जीरो, करेक्ट है। और उसको टाइम लगा टी, यहाँ से अर्थ तक पहुँचने में टी टाइम लगा, तो एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है यू की वैल्यू जीरो होगी, और हाइट कितनी है एच है, तो एच इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी h की वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर के इक्वल हो गई। अब दो सिचुएशन है, पहली सिचुएशन का फिगर पहले बनाते हैं। पहली सिचुएशन में ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, मान लो v वेलोसिटी से थ्रो किया जा रहा है, ये बॉल जाएगी फिर नीचे आएगी, ठीक है, ग्राउंड पे आएगी, तो उसमें टाइम कितना लग रहा है, टी वन, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन जो है उसमें बॉल को नीचे ही ड्रॉप थ्रो किया जा रहा है, ध्यान देना, वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी v से ही थ्रो किया जा रहा है, ठीक है, नहीं इनिशियल वेलोसिटी u बोला है ना, तो मैं इसको u कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी को u बोला है ना, ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ u है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ u है। अच्छा, अब साइन कन्वेंशन हम कंसिडर कर लेते हैं, ये h है, इसको नीचे तक पहुँचने में t2 टाइम लगा, पहली बात। दूसरा सुनो, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये बॉल जो है उसको हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं, अब साइन कन्वेंशन हम ले लेते हैं, नीचे हम नेगेटिव कर देते हैं, ऊपर को पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एस की वैल्यू निगेटिव क्योंकि ऊपर पॉजिटिव लिया है, तो माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, प्लस यू टी वन, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर होगा, ये पहला हो गया। दूसरा सिचुएशन में सारी चीज़ें नीचे की तरफ हैं तो सब निगेटिव होगा, माइनस एच इजल टू माइनस यू टी टू माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर, इसको आप दोनों साइड निगेटिव से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, u की वैल्यू निकाल लेते हैं, यू टी वन इज इक्वल टू हाफ जी टी वन स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस एच, ये u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, नेक्स्ट पेज ऐड कर देते हैं, ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लें, u की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से u की वैल्यू निकालते हैं, u इज इक्वल टू पहले वाले से क्या होगा, u इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, u t1 इज इक्वल टू हाफ g t1 स्क्वायर माइनस h, या u इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ g t1 स्क्वायर माइनस h बाई t1, ये पहला। दूसरा इक्वेशन में भी u निकाला जाए, इसमें u कैसे लिख सकते हैं, यू टी टू इज इक्वल टू एच माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर, तो t को इधर नीचे भेज देते हैं, आगे कर देते हैं, यू टी टू इज इक्वल टू कितना होगा, एच माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर, तो u इज इक्वल टू एच माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर अपॉन टी टू, दोनों वैल्यू इक्वल हैं, बराबर कर देते हैं, हाफ जी टी वन स्क्वायर माइनस एच बाई टी वन इज इक्वल टू एच माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर अपॉन टी, ठीक है। अब h की वैल्यू इससे पहले क्या निकाला था हम लोगों ने, यहाँ देखो h की वैल्यू है हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर पुट कर देते हैं, वन बाई टू जी टी वन स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन टी वन इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर अपॉन टी टू। अब दोनों न्यूमरेटर में हाफ जी कॉमन है, कॉमन लेके कट भी जाएगा ये, तो ये आएगा टी वन स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर
upon t1 is equal to t square minus t2 square upon t2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपको, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर से इधर, इधर कर लेते हैं सॉल्व। तो t2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो t2 ब्रैकेट में t1 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर इज इक्वल टू t1, अगर इधर जाएगा तो t1 ब्रैकेट में t स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, t2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा, t2 t1 स्क्वायर माइनस t2 t स्क्वायर इज इक्वल टू t1 t स्क्वायर माइनस t1 t2 स्क्वायर। इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो t2 t1 स्क्वायर प्लस t1 t2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा t2 t स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, t स्क्वायर कॉमन लेंगे t1 प्लस t2 आएगा ये। अब इन दोनों में t1 t2 कॉमन ले लें तो t1 प्लस t2 आ जाएगा, इधर t स्क्वायर t1 प्लस t2 है, ये दोनों कट जाएगा, तो t1 t2 इज इक्वल टू t स्क्वायर या t इज इक्वल टू अंडर रूट में t1 t2, ये ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। कौन सा ऑप्शन है भाई, ये सी वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट, t इज इक्वल टू अंडर रूट t1 t2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।